जी व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नाखूनों की हेल्थ के बारे में, और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये बाहर से चीज़ें लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, कुछ नाखून ऐसे निकाल दिए जाते हैं कि वो कभी वापस नहीं आ, कुछ लोग के टोज में, इस पर इनफैक्ट हम लोग टोज की जब बात करें तो बड़ा वाला जो टो है वो परमानेंटली निकाल दिया जाता है, क्यों? वो ऐसा होता है कि वो एक्चुअली निकालना नहीं चाहिए, बशर्ते उसको फंगल इन्फेक्शन या थिक नेल नहीं हो गया। मिसाल के तौर पर दो डिजीज है जिसके अंदर थिक नेल हो थिक जाता है, नेल डिजीज क्या होता है? मतलब थिक नेल मतलब मोटा नाखून हो जाए। अच्छा, तो वो तो कभी टूटेगा नहीं, नहीं 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 वो कट भी नहीं वो सकता ना, कट नहीं और कट सकता, भी नहीं सकता, वो कट भी नहीं सकता है। ट्रिम नहीं हो ओके, सकता, ट्रिम। और या उसको फंगल इन्फेक्शन इतने इस हद तक ख़राब कर दिया है कि उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शक्ल और सूरत ही चेंज हो गई है, अच्छा, तो फिर उनमें वो उसको नेल बेड से उनको रिमूव किया जाता है। जब नेल बेड से निकालेंगे तो फिर नाखून दोबारा नहीं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नाखूनों के नीचे फंगल इन्फेक्शन क्यों इतनी कॉमन है? असल में वजह ये होती है कि हम स्किन अपने पे तो लोग की नहीं होती, नाखून के नीचे जरूर हो जाती। दरअसल वजह ये होती है ना कि हम अपने नाखूनों की प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं करते हैं, और अगर पैर में कुछ हो भी रहा ना तो उसमें कोई ना दर्द होता है, ना जलन होता है, ना ख़ारिश होती है, ना कुछ पता होता है, सिर्फ फंगल कलर चेंज। इन्फेक्शन में तो टेंडर हो जाता है। सुन, वो बाद में होता है, पहले तो सिर्फ कलर चेंज होता है ना। जब कलर चेंज हो रहा होता है तो नहीं पता चलता कि मतलब क्या हो रहा है, वो सिर्फ कलर चेंज हो गया हो गया हो गया। वो तो जब एक्यूट पेरोनिकिया की कंडीशन आती है ना, जब उसके अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और जो सुर्ख हो जाए तब दर्द होता है, टेंडरनेस उस वक्त होती है। नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन में दर्द नहीं होता, वो तो सिर्फ नाखून टूट रहा है, नाखून का कलर चेंज हो रहा है, फिर ब्रिटल हो रहा है नेल, मतलब उसकी तहें सी उतरना शुरू हो जाती हैं और नाखून जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो उसमें जब उसके अंदर उसकी क्यूटिकल इन्वॉल्व हो जाती है, नाखून के साइड की झिल्ली जो होती है, जो खाल होती है, तो उसमें जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, स्टेफलोकोकाई मेनली। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो फिर उसमें वो एक इन्फ्लेमेशन या सुर्खी सी सूजन पैदा होती है, और जब वो सूजन आती है तो फिर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है। वैसे दर्द नहीं होता, आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाखूनों में दाद लगा हुआ है एंड देन दे डोंट बॉदर अबाउट देयर दिस इज स्किन इन्फेक्शन, हाँ, वो उसको नहीं देखते, क्या बस ये अच्छा डॉक्टर फंगस साहब, हो गया। हम खवातीन जो हैं वो बहुत सैलून जा जाके अपने क्यूटिकल्स जो हैं वो रिमूव कराती हैं, तो क्यूटिकल रिमूव कराने से भी कोई प्रॉब्लम होता है? हर्ट दैट, देखिए अगर बहुत ज्यादा कराएंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। क्या जितनी बार क्यूटिकल रिमूव कराएंगे वो उतनी ही तेजी से वापस दोबारा बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब ये तो डेड हो जाता है ये, आप मतलब कॉस्मेटिकली मतलब करा रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। अनटिल अनलेस कि अगर आपके कोई ऐसी कोई नेल डिजीज़ है, कोई ऐसा इसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है कि आपके नेल क्यूटिकल जो है या नेल जो है जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा भद्दी बदशेप हो गई है, तब तो आप उसको करा लें कि जी उसमें जो इसका कलर ऐसा चेंज हो गया या ये होगा, ठीक है। वो फिर भी आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं साथ साथ, ये नहीं है कि खाली आपने उसको घिसवा लिया, थोड़ा सा उसका कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर से नेल पॉलिश लगा दी तो जी वो सही हो गया, वो सही नहीं होगा। सही, वो सही नहीं होगा जब तक कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो खाली इसको घिसवाने से रगड़वाने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्बास, आप कैसे हैं? आप आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। कल भी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था बुध के दिन, तो कल तो मैं पहचाना नहीं था आपको, मॉर्निंग में आप आ रही थी ना, तो मैंने कहा पता नहीं उमजा या उधर की तरफ के कुछ ऐसे लोग ड्रेस पहनते हैं ना, तो मैं पहचाना नहीं, फिर गौर से मैं पहचान लिया कि डॉक्टर राफिया है आप। ऐसा तो कुछ नहीं था बस हेयर स्टाइल इतना जबरदस्त बनाया हुआ था, मैं पहचाना नहीं था शुरू में आपको। अच्छा, ओके, चले जी, आज बहुत क्या अच्छा कहना चाहेंगे? आज हमारा पोल का सवाल है कि अगर कोई सिगरेट पी रहा हो तो आप उसे रोकेंगे? जी, कोई सिगरेट पी रहा हो आपके सामने तो आप उसे रोकेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं उसको मना करूंगा कि आप बाहर जाके पी ले या अलग होके पी ले, ये स्मोकिंग जो है इससे दूसरों की हेल्थ भी मजरूह होती है, उसको भी बीमारी का खतरा होता है लंग्स का। ठीक है, देव वेरी नाइस, वेरी गुड स्पिरिट। अच्छा जी, हम नाखूनों पे बात करें, नाखून के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं। नहीं नहीं, आप, मैं तो पूछ रही हूँ। नाखून, अच्छा वो मेरी बेटी का, वैसे अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया है। सही, वो एक मतलब बात भी की थी उसने आपके प्रोग्राम में, शाजिया नाम है उसका, तो उसका एक पैर का जो नाखून है उसमें वो फंगस कहती है, डॉक्टर है कि स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पर,
नदीम जहरा, उनको भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ट्रीटमेंट कराया, वो उसका कलर कुछ चेंज हो गया। तो शाजिया से बात कर लीजिए, मैं तो अक्सर करता रहता हूँ आपको टेलीफोन। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। वैसे एक मिनट शाजिया को कह, बेचारी फजूल में वो करेंगे, तकल्लुफ करेंगे, हमें उनका सवाल याद है, हम पूछ लेते हैं अभी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वही डॉक्टर साहब, वो नेल का कलर चेंज होना, और बहुत इलाज कराया और नेल का कलर जो है वो वापस नॉर्मल नहीं हो रहा है। सही है, ठीक। देखिए असल में हमें ना काउंसलिंग पहले करनी चाहिए, समझाना पहले चाहिए, इलाज बाद में करना चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, पहले आप उसके मुतालिक पेशेंट को ब्रीफ करें, समझा दें थोड़ी देर, और उसके बाद फिर वो जब समझ जाएगा ना, तो फिर उसकी समझ में आ जाएगा, वो करेगा इलाज को कंटिन्यू। असल मसला ये होता है कि हमारे जो नाखूनों की बढ़ने की रफ़्तार होती है ना, वो मुख्तलिफ होती है। मतलब ये जो हमारा एक उंगली का नाखून इंडेक्स फिंगर सबसे तेज़ ये बढ़ता है, 3 मिलीमीटर, हाँ सबसे ज़्यादा तेज़ ये बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा स्लो जो होता है वो पैर का अंगूठे का नाखून बढ़ता है। हाँ, पाँव का अंगूठे का नाखून सबसे स्लो बढ़ता है। अगर किसी के साथ ही उल्टा हो तो? मेरा ख्याल है वो फिर वो ह्यूमन नहीं होगा, वो स्विचिंग उल्टी। तो ये ये होती है, ठीक है ना। 3 मिलीमीटर पर उसके हिसाब से ये बढ़ता है, और वो 1 मिलीमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब इतना स्लो ये नाखून चल रहा है, सही है। अच्छा, अगर ये उंगली का नाखून निकल जाए तो इसका पूरा कवर होने में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर ये अंगूठे का नाखून, हाथ के अंगूठे का नाखून निकल जाए तो इसको यहाँ नीचे से ऊपर तक आने में तकरीबन 9 महीने लगते हैं, और अगर पैर का अंगूठे का नाखून अगर निकल जाए तो उसको पूरा कंप्लीट होने में 18 महीने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये फंगस लगता है, अच्छा हम ये मतलब मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि देखिए जी, ये लंबा इलाज है, ये छोटा मोटा नहीं है। तो फंगस का इलाज, अब तो खैर बहुत अच्छी जदीद दवाएं भी आ गई हैं, जो तो कम से कम पैर के अंगूठे के लिए 5-6 महीने तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। 5-6 महीने तक कम से कम पैर के अंगूठे के लिए, वरना पहले ही 18 महीने तक जाता था। यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो इतने लंबे अरसे दवा नहीं खा सकता है, दवा ना लगा सकता है, ठीक। तो वो ये होता है कि 1-2 कोर्स करता है, 1-2 महीने, इसमें अगर जो है वो हो गया, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने इलाज छोड़ दिया इसकी वजह से। लेकिन अगर इनकी बेटी प्रॉपर इलाज कराती हैं तो अब तक वो सही हो चुकी होती हैं। पर जी लग के इलाज करा लें, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि लग कर इलाज करा लीजिए, 100% जाएगा, हर सूरत में जाएगा, ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रोग्राम का टाइम देखिए, पता नहीं एकदम से खत्म हो गया, एकदम से नहीं बेचारा हो जाए, आपको पता है रोजाना इस वक्त टाइम खत्म हो जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv, फेसबुक पे आप हमसे बात करेंगे, विच इज़ हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का पेज भी और हेल्थ टीवी का अपना पेज भी, और आप लोग हमारा कल तक के लिए इंतजार भी करेंगे। कल हम फिर वापस आएंगे अच्छी बातें लेके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।